हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का लेसन 17 पर है। अभी तक आप लोगों ने लेसन 16 तक का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से प्रिंटेबल ब्रोशर डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे, वो भी A4 साइज में बिल्कुल प्रिंटेबल टू फोल्डेड ब्रोशर डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 वर्जन है। अगर आपके पास जो भी वर्जन, जिस तरीके का वर्जन भी है, तो आप यहाँ पर आसानी से ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज सेटअप क्रिएट करना है। उसके लिए आपको सिंपली जाना है दोस्तों डिज़ाइन के अंदर। तो ध्यान से देखिए, डिज़ाइन के अंदर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर स्लाइड साइज के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं हर एक पार्ट का यहाँ पर जूम करके दिखाने का ट्राई करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कस्टम स्लाइड साइज के अंदर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, A4 साइज सेलेक्ट करना है। सिंपल बात है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। A4 साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लैंडस्केप मोड ही सेलेक्ट करना है, और सिंपली आपको यहाँ पर ओके बटन के अंदर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, और मैक्सिमाइज करना है, इंच और फिट आप चाहे तो दोनों में कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए मैक्सिमाइज ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से पेज यहाँ पर लैंडस्केप मोड पर आ चुका है। अब आपको सिंपल क्या है दोस्तों, क्या करना है, इस शेप्स इस सभी को यहाँ पर आउट ऑफ एरिया को रिमूव करना है, यानी कि डिलीट करना है। और उसके बाद आपको सिंपली जाना है दोस्तों व्यू के अंदर, और यहाँ पर आपको गाइडलाइन के अंदर क्लिक करना है। गाइडलाइन, ये वाला गाइडलाइन आप चाहे तो क्लिक कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर गाइड ऑनली पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से यहाँ पर एक गाइड आ जाता है, और उसके बाद आपको यहाँ से आसानी से सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल करना सहज होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोल्डेड के लिए मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाहूँगा। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए एक यहाँ पर रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, रेक्टेंगल शेप्स में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, आप चाहे तो इसी तरीके से बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली आउटलाइन रिमूव करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट शेप्स के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्मेट शेप्स के अंदर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको फिल के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है दोस्तों ग्रेडियंट फिल के अंदर, इस सभी फिल को रिमूव करना है। ध्यान दे देखिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है लीनियर, और यहाँ पर आपको कलर पिकर आप चाहे तो कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए कलर पिक कर रहा हूँ, ग्रे कलर कुछ इस तरीके का, और इसको मैं प्योर वाइट कलर कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं पोजिशन चेंज करता हूँ दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये वाला पोजीशन में सेट करना चाहूँगा। और इसके बाद आप चाहे तो इस वाले कॉलर का आप इस तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हो, चाहे तो इसको यहाँ पर आप इस तरीके से सेट वगैरह करते हो, आपको इसको ट्रांसपेरेंसी वगैरह इस तरीके से कम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से ये फोल्डेड भी आपको यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। दिक्कत वाली कुछ भी बात नहीं, आप इस तरीके से बड़ी आसानी से फोल्डेड क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद सिंपली आपको अब यहाँ पर आप डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। तो डिज़ाइन वगैरह करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल टेक्निक यूज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए, यहाँ पर शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं एक शेप सेलेक्ट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला भी शेप सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं फिलहाल के लिए तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल शेप से सेलेक्ट करना चाहूँगा, और उसके बाद इस शेप्स को मैं थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँगा, कुछ इतना तक हिस्से से यहाँ से मैं ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ तक। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसी आउटलाइन को रिमूव करना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, एडिट शेप्स के अंदर क्लिक करते हो, यहाँ पर देखिए ध्यान से एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करते हो, इस तरीके से ये वाला पॉइंट को आपको छोटा करना है। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो कुछ इतना हिस्सा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसी शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है, यानी कि ट्रायंगल शेप सेलेक्ट करना है। अब आपको ट्रायंगल कुछ इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए ड्रॉ करना है, इसको आप इस तरीके से रोटेट करना है शिफ्ट होल्ड करते हुए, आप चाहे तो यहाँ पर इसको सेट करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको एंगल और इसको एंगल एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए यानी कि ये लाइन और ये लाइन एडजस्ट करना है, प्रॉपर दिखना चाहिए, ये दो लाइन इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट करना है। अब आपको सिंपली इसका आउटलाइन, नो आउटलाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको सिंपली ये वाला को कलर आप चेंज करना है, आप चाहे तो जो भी कलर आपको पसंद है वही कलर सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करते इसको ग्रेडियंट वगैरह कलर भी आप चाहे तो देना चाहते हो तो दे सकते हो, कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट वगैरह कलर। आप चाहे तो यहाँ पर और डार्क ग्रेडियंट वगैरह इस तरीके से यहाँ पर आपको डिज़ाइन के लुक्स यहाँ पर चेंज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं।
तो सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ये वाले शेप्स के अंदर फॉर्मेट के अंदर क्लिक कर दे। आप चाहे तो यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए पिक्चर्स के अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए फ्रॉम फाइल करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर डिज़ाइन टेम्पलेट के अंदर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए ढेर सारे यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस वगैरह डाउनलोड किया। आप चाहे तो एजुकेशन के लिए ब्राउज़र डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, तो ये वाला भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर ये वाला पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है। सिंपली आपको इस इमेज को रोटेट हुआ है, सिंपली आपको यहाँ पर देखिए इसके अंदर राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, फॉर्मेट पिक्चर्स। सिंपली आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक आइकन है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है रोटेट विथ शेप के अंदर। यानी कि इसने क्या करता है दोस्तों, इस इमेज यहाँ पर रोटेट हुआ है, इस रोटेट को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट हो जाता है। आप चाहे तो इस इमेज पर इतना ही यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर क्रॉप के अंदर क्लिक करते हो, इस इमेज का आप थोड़ा सा बड़ा वगैरह आप करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको बड़ा वगैरह करते हुए आप इसको एडजस्ट वगैरह करना चाहते हो, कितना आपको पार्ट दिखाना है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप इस इमेज पर यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसी तरीके से इतना ही यूज़ करना चाहूँगा, काफ़ी कूल लग रहा है। और उसके बाद सिंपली इसी के अंदर क्लिक करते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर शैडोज़ वगैरह इफेक्ट वगैरह शैडो यहाँ पर नीचे की तरफ शैडोज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये वाला शैडोज़ क्रिएट करना चाहूँगा, तो ये सॉरी इसको ऊपर नहीं ये वाला सेलेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला। तो इसके अंदर क्लिक करने के बाद आप चाहे तो इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो इसको साइज़ वगैरह आप थोड़ा सा बड़ा वगैरह करना चाहते हो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे तो ब्लर और ज़्यादा ब्लर वगैरह करना चाहते हो तो कलर भी ब्लर ओवर भी कर सकते हो। डिस्टेंस वगैरह आपको यहाँ पर मेंटेन वगैरह डिस्टेंस आप यहाँ से मेंटेन वगैरह कर सकते हो, इस तरीके से आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। एंगल वगैरह आपको चेंज करना है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर रख देता हूँ ताकि ये ओनली दिख जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लर करना है तो ब्लर कर सकते हो, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से एंगल नीचे की तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। इतना पार्ट तो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर कुछ ओवल शेप्स वगैरह आपको क्रिएट करना है। सिंपली यहाँ पर दोस्तों ब्रोशर डिज़ाइन के लिए शेप का ही खेल होता है दोस्तों, शेप यूज़ करते आप यहाँ पर आसानी से ब्रोशर डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक शेप्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ और इसका आउटलाइन रिमूव कर रहा हूँ। आप चाहे तो कलर जो भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये वाला ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि देखने में काफ़ी कूल और अच्छा लग रहा है ये दोस्तों। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करते हुए शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए ट्रायंगल शेप सेलेक्ट करना चाहूँगा, और उसके बाद इस शेप्स को मैं शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करता हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, आप भी इसी तरीके से सब कुछ डिज़ाइन यहाँ पर कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पर और छोटा करते हुए यहाँ पर इसको सेट करना चाहूँगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी टाइटल्स वगैरह है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसको मैं फिर से कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट करते हुए इसको मैं रोटेट करते हुए शिफ्ट ऑल करते हुए आपको रोटेट करना है दोस्तों। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट वगैरह है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी हेडलाइन वगैरह है तो आपको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप सब कुछ आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर ब्लैक ही कलर कर लेता हूँ, आउटलाइन रिमूव कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं ये वाला कलर दे देता हूँ इसके ऊपर, और इसको मैं आउटलाइन रिमूव करता हूँ ताकि दिखने में काफ़ी कूल और डिज़ाइन अच्छा लगे। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा तो बड़ा कर सकता हूँ शिफ्ट होल्ड करते। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी सेट कर सकते हो, दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी टाइटल्स वगैरह टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो। फिलहाल के लिए होम के अंदर क्लिक करते हो, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद टाइप कर लीजिए 2022। मैंने यहाँ पर 2022 टाइप किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट करना चाहूँगा, और इसके ऊपर मैं वाइट कलर फिल करना चाहूँगा, और इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा। आप चाहे तो यहाँ पर फॉन्ट वगैरह आपको जो भी फॉन्ट पसंद है आप वही सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ढेर सारे फॉन्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, आप फॉन्ट वगैरह चूज़ करते काम कर सकते हो। तो आपको जो फॉन्ट पसंद है वही फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए ये वाला फॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये फॉन्ट ही यहाँ पर सेट कर। तो इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया है, अभी मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर
फील करना चाहूँगा। इसको कलर में दोस्तों रेड कलर देना चाहूँगा, यहाँ से मैं रेड कलर दे दूँगा। तो आप चाहे तो जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको इधर का पार्ट बनाए दोस्तों, ये पार्ट आपको टाइप करते हुए हेडलाइन टाइटल और स्लोगन जो भी है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जम करते इस एरिया को यहाँ पर इसी टेक्स्ट को क्लिक करते हुए कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट कंट्रोल डी, या फिर आप कंट्रोल होल्ड करते हुए भी तो इतना तक ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर ये वाला पार्ट और थोड़ा सा यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूँगा डिजाइन, और इसी को मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करते हुए सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको सेट करना चाहूँगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मैं इसी शेप्स को कंट्रोल डी करते हुए तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। ध्यान से देखिए, फॉर्मेट रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और बल्की लगे डिजाइन। और इसके बाद इसके अंदर क्लिक करते हुए आपको कलर वगैरह चेंज करना है, फिलहाल के लिए रेडी रख रहा हूँ। और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर क्रिएटिव जो भी आपको टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट, या फिर आप कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको ऐड कर सकते हो। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर इतना तक ये प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये यहाँ का पार्ट को यानी कि ये वाला पार्ट को आपको डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए सिंपल क्या है दोस्तों, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये वाला शेप से कंट्रोल डी करते हुए कॉपी कर लेता हूँ, इसके बीचों बीच थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ शिफ्ट होल्ड करते हुए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा तो यहाँ पर इसको सेट करना चाहूँगा देखिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कलर देना है दोस्तों। आप चाहे तो रेडी कलर दे सकते हैं इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और आपको यहाँ पर इसको कलर देना है ब्लैक कलर। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको साइज शिफ्ट होल्ड करते हुए छोटा करना है कुछ इतना तक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसी टेक्स्ट को कंट्रोल होल्ड करते हुए कॉपी करना है, इसको छोटा करना है, रेड कलर का सिंबल ऐड करना है, इसको रोटेट करना है इस तरीके से। अब आपको सिंपल सी बात है आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपको सिंपल एक और यहाँ पर कंट्रोल डी करते हुए यहाँ पर आपको इसको ऐड करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर आपको कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल के लिए वाला कलर ही मुझे अच्छा लग रहा है। इसको राइट क्लिक करते फॉर्मेट शेप्स के अंदर क्लिक करते इसको ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा ताकि इस तरीके से आपको डिज़ाइन देखने में लगे। तो इतना खूबसूरत सा यहाँ पर डिज़ाइन लग रहा है दोस्तों। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको ब्रांड वगैरह है आपको यहाँ पर ऐड करना है, कंपनीज का नेम वगैरह, और जो भी पिक्चर्स वगैरह आप ऐड करना चाहते हो वो पिक्चर्स वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको पिक्चर्स के अंदर क्लिक करना है, जो भी पिक्चर्स पसंद है आप यूज़ कर दीजिए दोस्तों। फिलहाल के लिए वाला पिक्चर्स ही मुझे अच्छा लग रहा है, और इसी पिक्चर्स को मैं थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा है डिज़ाइन यहाँ पर लग रहा है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर ब्रांड का नेम है, लोगो है, आप वही यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसको कंट्रोल होल्ड करते मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल जेड, इसी को मैं यहाँ पर तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो भी हेडलाइन है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो आपको जो भी और टेक्स्ट वगैरह है तो यहाँ पर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए ये वाला टेक्स्ट मुझे कंट्रोल डी करते हुए कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको टाइप कर लेता हूँ वाई। आप चाहे तो यहाँ पर और एक डिज़ाइन वगैरह
क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हैं, सेप्स ये वाला सेट कर लीजिए, इसको यहाँ पर सेट कर लीजिए, शिफ्ट होल्ड करते हुए इसको आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना है दोस्तों इस तरीके से। इसको आउटलाइन नो करना है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर लीजिए ताकि ये और ये अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद आपको सिंपली शेप पर जाकर रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर रेक्टेंगल शेप्स ड्रॉ करना है, इसको भी आउटलाइन रिमूव करना है। तो ये और ये शेप्स आपको सेलेक्ट करते हैं, मर्ज के अंदर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पर ये शेप, पहले ये शेप और ये शेप कंट्रोल होल्ड करते हुए सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हुए शेप मर्ज शेप्स के अंदर क्लिक करते हैं, आपको कंबाइन यानी कि फ्रैगमेंट भी आप कर सकते हो, यानी कि इंटरसेक्ट भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। सिंपल बात है दोस्तों, आपको करना है सबट्रैक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे इस वाले कॉलर यहाँ पर सेट करते हुए डिजाइन को लुक्स और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो आप चाहे तो यहाँ पर और एक टेक्स्ट वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आप चाहे तो आपको जो भी टेक्स्ट है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने कंप्लीट दो फोल्ड यानी कि टू फोल्ड वाले ब्रोशर डिजाइन कंप्लीट करके आपको दिखा चुका हूँ। आप भी इसी तरीके से दिक्कत वाले बात नहीं होकर आप आसानी से यहाँ पर ब्रोशर डिजाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।